गाइस, इट्स 6 इन द मॉर्निंग। कोटा व्लॉग अभी अपलोड नहीं हुआ है। पेड़ के ऊपर मर्सिडीज देखी नहीं क्या तुम लोगों ने? हैं भाई, ये देखो ऊपर, ये देखो वो ऊपर मर्सिडीज लटका रखी, नहीं लटका रखी देख। दो चार वीडियोस और इधर उधर अपलोड कर देखो। आई एम गोइंग कोडरमा झारखंड फोटोग्राफी टूर पे, एंड और ये प्लान कल ही बना था, तो मैं बस जा रहा हूँ अभी। एंड गेस व्हाट, मेरे पास बस ये एक पेयर सॉक्स है। आई डोंट नो भाई, बट मेरे सॉक्स क्यों घूमते रहते हैं। सो गाइस, आई एम रेडी, मेरा बैकपैक हो गया, हम लोग निकल रहे हैं कोडरमा। लेट्स सी वहाँ क्या क्या कंटेंट आता है। शहर से दूर, हवा के पास, जमीन से ऊपर, पहाड़ों में। बाहर निकला हूँ, सो मच स्लीप डिप्राइव। अभी खाना वाना तो खा लिया मैंने, नेक्स्ट वीक कहाँ जाना है। अभी से पूरा जंगल ही जंगल है, और ये पीछे ढाबा। वो कौन सा पहाड़ है? मंदिर है उसके ऊपर, तो है एक तो ये वाला पहाड़ है, लेकिन जंगल को लुप्त कर दिया गया है काट कर। हाँ, एक जवान में बहुत घना जंगल होगा। खैर, देखा ना वहाँ तक जंगल था, शेर आता था मेरा घर जहाँ देखा था। अच्छा, वहाँ तक जंगल ही था। यहाँ माइंस का काम होता था आज से 100 साल पहले। अच्छा, मेरे परदादाजी के टाइम से यहाँ माइंस होता था। ये जमीन देखो नीचे जा रहा है, हम लोग आगे जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं। बिहार नीचे साइड है, इसलिए हम लोग आगे जा रहे हैं बिहार की ओर। चलो बिहार की ओर आइए ना, हमरा बिहार में। हम लोग अभी बेयर इन्फेस्टेड इलाके में, यहाँ पे स्लॉथ बेयर्स मिलते हैं और रात को बहुत बार अटैक्स वगैरह भी हो जाते हैं। सो वी आर इन वेरी वेरी डेंजर, क्या पता मेरे ऊपर अटैक हो जाए। और यहाँ पे लेपर्ड्स भी मिलते हैं, लेपर्ड्स रियल डील लेपर्ड्स वो भी मिलते हैं यहाँ पे, तो क्या पता उससे भी अटैक हो जाए। मैं तो खैर इनको दे दूंगा, उनको फेंक दूंगा आगे। क्या चर्बी है, पेड़ है, आई डोंट नो द स्पीसीज, लेकिन इसको जलने पे ये देखो कैसी आवाज आती है। और ये जो पौधे होते हैं छोटे से, इतने ही हाइट होते हैं इनका, बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ये जितना बड़ा होगा, हाँ वो देखो, वो वहां पे एक बड़ा है हल्का, लेकिन ये पूरे फैले हुए हैं यहाँ पे डिसीडियस फॉरेस्ट में। जितना भी आप यहाँ पे नीचे का एरिया देख रहे हैं, पहले यहाँ पे माइंस होता था 100 साल 150 साल पहले, ब्रिटिश टाइम से ही स्टार्ट हुआ था। फिर टाइम आया, धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी ग्रोथ आ गया, जिस तरह से डेवलपमेंट होता रहा, माइनिंग इलीगल कर दिया गया। अच्छा, यहाँ भी माइनिंग हो रहा है बट इलीगल वे से हो रहा है। तो जो हमारा माइनिंग होता था वो अब्रक का होता था, जिसको माइका कहते हैं हम लोग। तो यहाँ गवर्नमेंट जो हाईवे पास करने वाला है, करीब 5 साल से बोल रहा है कि हाईवे पास करेंगे, लेकिन पास नहीं कर रहा है। कारण ये है, एक तो जंगल का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, सेकेंड अगर आप बिहार, इधर से तो बिहार ही है पूरा, आपको जितना भी उधर पहाड़ वहाड़ दिख रहा है सब बिहार है। बिहार जाते वक्त क्या होता है, जमीन नीचे जा रहा है, और माइंस की वजह से क्या है कि यहाँ का जमीन बहुत धंसा हुआ है। अगर हाईवे पास करता है तो गवर्नमेंट खुद बोल रहा है कि जमीन धंसने का चांसेस है और ये फेलियर तक जा सकता है, रोड अभी सक्सेस नहीं कर पाएगा। ऊपर से जंगल तो ऑलरेडी आदमी काट काट के इतना डिफोरेस्टेशन फैला दिया कि जंगल नहीं, झाड़ ज्यादा है, जंगल है डीप एरिया में। साइड पूरा जंगल कितना कम हो रखा है, पूरा प्योर जंगल है। कि नेटिव लायंस मतलब, जैसे अभी तो सिर्फ गिर में है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन वो जो गिर है ना, वो गिर पहले यहाँ झारखंड बिहार के बेल्ट तक कनेक्टेड था मध्य प्रदेश होके, ये अभी भी कनेक्टेड है छत्तीसगढ़ तक। हाँ, लेकिन अब लायंस नहीं रहे क्योंकि लायंस का शिकार हो गया।
सेकंड है कि यहाँ पे राजा महाराज लोग का पहले डोमिनेशन होता था, पहले ये जो कोडरमा है इसको राजगढ़ के नाम से जाना जाता था। हाँ नहीं, मैंने अभी यहाँ पे आने से पहले थोड़ा देखा था वीडियो में, तो यहाँ का राजा था ना वो इनवाइट करता था दूसरे राजाओं को शिकार करने के लिए, कि यहाँ पे आइए हमारे यहाँ शिकार कीजिए। फिर जब ब्रिटिश का डोमिनेशन आया तो उन लोगों ने भी बहुत शिकार किया, उन लोगों ने तो और ज्यादा बहुत शिकार किया। शेर का वो खाल का वो उन लोग घर पे सजा के रखते थे। अभी भी जो मेरा घर है उसके सामने मंदिर है, उस मंदिर के नीचे बोलता है कि किला अभी भी दफन है। करीब 50 साल पहले वहाँ कूड़ा उड़ा गया था तो किला का हिस्सा निकला था, मतलब उसका महल था, कुछ वैसा मिला है वहाँ पे कि मतलब जानवर लोग को मारा गया था। इसी तरह देखते देखते जंगल खत्म हो रहा है, क्योंकि सरकार से लेकर ऊपर आदमी तक सब कुछ यहाँ करप्ट है। सरकारी आदमी इसी गांव का फॉरेस्ट में काम करता है, ठीक है, और जब जंगल काट काट के उसी गांव का आदमी लोग लकड़ी ले जाता है तो वो आदमी रोकता नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरा गांव का है। सही बात है। इस तरह करके क्या हो रहा है, जंगल खत्म हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, नुकसान तो जंगल का ही हो रहा है। और जो बचा एट द एंड क्या, मतलब अगर ये सब खत्म ही हो गया, ये सब जो है खत्म ही हो गया, तो फिर क्या बचेगा बताओ, बचेगा क्या बचेगा, इतना पॉल्यूशन से आदमी ऐसे शहर में परेशान है। हाँ, ओल्ड एज में आदमी पहले सोचते थे कि सिटी में रहेंगे घर चलाएंगे, लेकिन अब आदमी क्या हो रहा है, गांव की ओर ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं, अपने नेटिव प्लेसेस में चले जा रहे हैं लोग। हाँ, तो अब नेटिव प्लेस में आके भी उन लोगों को वो सुकून नहीं मिलेगा फ्यूचर में। हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, हो सकता है 50 साल बाद हमारे जो बच्चे होंगे या हमारा जो जनरेशन होगा उन लोगों को ये पहाड़ भी देखने को ना मिले। हाईवे पास होगा तो बहुत मेजर डैमेज होगा यहाँ पे, क्योंकि हाईवे पास होने की वजह से आदमी लोग यहाँ बाउंड्री मारना शुरू करेगा, इस वजह से कि उन लोग सोचेगा कि मेरे जमीन का दाम बढ़ रहा है, गवर्नमेंट मेरे को डबल पैसा देगा, इस हिसाब से बाउंड्री भी मारेगा, उस हिसाब से पेड़ भी बहुत कटेगा। और सरकार जो बोलता है कि एक पेड़ पे काटेंगे तो 100 पेड़ लगाएंगे, हम लोग का कोडरमा का जो घाटी है उसको काटा गया, कितना पेड़ लगाया गया आज तक किसी को कुछ पता ही नहीं। पॉपुलेशन बढ़ रहा है भाई, चाइना को तो सरपास कर ही चुका है। हाँ। उस टाइम के अंदर साला यहाँ भी जगह नहीं बचेगा, पता चला जंगल नाम का कोई चीज हुआ करता था, ये पड़ेगा हम लोग का जनरेशन आगे। भाई देखो, जैसे अब ये हैं तो सब जो लोग नेटिव वैसे जंगलों से जुड़े होते हैं ना, उनको इमोशन मालूम है, फीलिंग्स पता है जंगल की। भाई पैदा यहाँ पे हुए, टाइम यहाँ पे काटे दोस्त लोगों के साथ, बैर खाने आते थे यहाँ, पहले केन नाम का एक इतना बड़ा फल होता है। हाँ। वो खाने आते थे, अब कहाँ वो सब सारा खब, यहाँ बैर का पेड़ हुआ करता था, बैर मिलता था, बैर भी खोजने जाते थे, साला बहुत अंदर जाना होता था, ये सिचुएशन है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो भाग रहे अंदर झाड़ियों में, अभी निकलेगा वहां से। हाँ, दो छोटे हिरन। अरे कैमरा क्यों नहीं लेके आए? क्या है, क्या आपके हिसाब से सुबह 4-5 बजे का उस टाइम मतलब सारे जानवर दिखाई देते हैं? और क्या अच्छा, भालू वालू का क्या सीन है इधर? भालू इधर नहीं, अंदर जाइएगा तो भालू। और तेंदुआ वगैरह? हाँ, तेंदुआ तो मिल जाएगा आपको उधर ही, वहाँ पे उधर ही रात में बैठे। खंडर में आ गए मैं तो मूतने, मतलब मेरे को, हम लोग चाय ब्रेक ले रहे थे, चाय ब्रेक लेके मुझे आई सुसु, तो मैं गया इधर से इधर अंदर, उधर जाके सुसुखंड ये जगह देख लो, ऐसी दिखती है जगह। गाइस हम लोग यहाँ पे खाने आए हैं मंचूरियन, ये देखो मंचूरियन फ्राई होते हुए। कढ़ाई में लग रही है यार, क्या ये मंचूरियन इन भूखों का पेट भर पाएगा? ये भूखे भी है। कल से देख लोग भी उतावले बावले हो रहे हैं, सुनहरा सुनहरा मंचूरियन, हाय हाय, अब तो मुझे भी भूख लग गई।
कुछ समय की बात है बस, आपको मंचूरियन खाने मिल जाएगा। ये देखो निकल रहा है मंचूरियन, कुछ समय की बात है बस। ट्रेन के हॉर्न के साथ मंचूरियन निकला, छोटे से ट्रेन जाता है, चल गया। निकाह मारता निकाह मारता मंचूरियन आ गया। दीज बॉल्स लुक सो नाइस। गाइस मैंने एक मंचूरियन बॉल ट्राई कर लिया बट लेकिन वीडियो रिकॉर्ड ऑन नहीं हुआ था, मैं वापस ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो मंचूरियन बॉल, ये एक मंचूरियन बॉल, ये मैं खा रहा हूँ। नाइस एंड क्विक पीस। तो गाइस कोडरमा सिटी कुछ ऐसी दिखती है, पीछे से आपको बाइक पे से लात मार सकता है, मेरे को भी लग गई। ऐसे बिल्कुल नॉर्मल सेमी अर्बन सिटीज की तरह। मैं टाउन भी दिखाऊंगा, गांव भी दिखाऊंगा, और वहाँ पे यहाँ पे जो नेटिव लोग हैं, जो नेटिव आदिवासी रहते हैं यहाँ पे, मैं उनको भी दिखाऊंगा, उनके भी घर वगैरह। तो गाइस देखो मैं हूँ बिहार का ही, लेकिन ये जो शहर है कोडरमा, मैं इसको बिल्कुल टूरिस्ट की तरह घूम रहा हूँ। लाइक समझ रहे हो, मतलब वैसा टूरिस्ट, वो फिरंगी टूरिस्ट। Hey there, we are in India. We eat Manchurian today and some pakori chaat, like that. अच्छा तो बताओ यार कुछ हिस्ट्री इस जगह की। हिस्ट्री ये कॉर्ड लाइन है ना, तो बहुत सालों से बंद था ये। आदमी वादमी आता नहीं था पूरा, अभी भी देखो आदमी कम ही है। ये रूम पूरा बंद था, 100 था ये पहले। मतलब क्यों 100 बोलते थे, ऐसा क्या होता है, कुछ हुआ था? एक तो देखो ये एरिया बहुत साइड है, ठीक है, आदमी यहाँ ऐसे दिखता नहीं था। पीछे स्टेशन दिखा दो, थोड़ा बहुत खतरा तो घटित होता ही है गांव में, चुड़ैल वड़ैल वही सब। यहाँ ट्रेन में यहाँ रोड में आदमी तेजी चलते हुए दिखता था रात को 12 बजे यहीं पे इसी ट्रैक पे। हाँ ये ट्रैक दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, शायद कोशिश करता हूँ। इधर ट्रैक है, इसी ट्रैक पे लोग देखते थे। हाँ वो बोर्ड लगाया स्टेटस, भैया दीजिए माल। ये देखो टूटा हुआ है बिल्कुल, पहले टूटा हुआ नहीं था ये। अच्छा उधर रोटी जा भी ना हुआ, उधर तो पूरा ही टूटा हुआ, वो तो शुरुआत से ही टूटा हुआ। हाँ ये भी टूटा हुआ है, लाइन सामने सामने ही है बट इसमें दिख नहीं रहा है। किसको दिख? ये सीढ़िया है नीचे, अब यार वीडियो में कितना डरावना दिख रहा है, मतलब ये सीढ़िया दिख रही है, सीढ़ियों के आगे अंधकार। रुको एक काम करता हूँ, मैं फ्लैश का स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं। अब देखो अब फ्लैश का थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा दिया है मैंने। स्टेशन पूरा एटीएम में लेने का सोचा है। ये देखो अब थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये जो एरिया थोड़ा सा हो रहा है। ये देखो स्टेशन का थोड़ा सा पार्ट विजिबल हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो स्टेशन नीचे, और उधर ट्रैक्स भी दिख रहे हैं। हाँ देखो ये देखो ट्रैक्स दिख रहे हैं पूरे नीचे, ये ट्रैक्स है। इधर स्टेशन, इधर देखो इधर नीचे स्टेशन है, नीचे ट्रैक्स। यहाँ पे कुछ ऐसे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग। Feels so weird here. ये ऊपर जाने का एक और रास्ता है, हम लोग निकल जाते हैं। धनेवा नाम का राक्षस होता है यहाँ पे। हाँ रात को दोस्त लोग भट्टी पे काम करने जाता है ना। हाँ तो एकदम चारा फेरा कुछ दिखता नहीं है। हाँ वो एकदम राक्षस का शरीर रहता है, तो बोलते हैं कि
फाइट मतलब फाइट नहीं होता है, वो ऐसा आवाज निकालेगा ना हिरन का आवाज, हिरन रोता है तो पता चलता है, कोई भालू रोता है तो पता चलता है, लेकिन उसका आवाज इतना खौफनाक होता है कि दोस्तों परेशान हो जाता है, तुम लोग आग वाग जलाता है, फिर हनुमान चालीसा सब पढ़ता है, ऐसा वो मतलब राक्षस यहाँ मिलता है, राक्षस कहता है लेकिन वो एक टाइप से ठीक है। विराट को नाम लेना ठीक नहीं होगा, बोल रहा था तो वो एक आदमी अगर बोले ना तो उसको मारेंगे साइकोलॉजी ठीक है, अब 10 आदमी बोले तो उसको क्या बोलोगे? अफवाह, ये जो चर्च है इसके बारे में भी बहुत कहानी है। अच्छा ये चर्च है, देखो गेट देखो भाई, इमली पड़ गई थी वहाँ, कन्फर्म भूत है वहाँ, इमली का पेड़ है जिसको कहते हैं ना, वो एक आदमी था वहाँ पे देर में, एक चर्च है, बेसिकली ये पूरा गांव ही हॉन्टेड है, जंगल में तो ऐसे ही भूत प्रेत ऐसे ही रहता है, इतना सारा मर्डर हुआ है बाहर को फेंक देता है लाश लगे। कभी ऐसा कुछ इनकाउंटर हुआ? क्या मतलब भूत प्रेत? हाँ मेरा हुआ नहीं लेकिन महसूस हुआ है। अच्छा कहाँ पे? घर पे ही, मेरे घर के पीछे ना पहले आदमी लोग नहीं रहता था। हाँ। तो 12th का टाइम था मतलब जब हम 12th कर रहे थे। हाँ। तो अचानक से रात के 2 बजे पीछे तो पूरा फाका ऐसा ही था, पूरा एकदम काटे घर कैसा है, और आस पास में भी घर नहीं था मेरा पूरा। हाँ। अचानक से ना रात को डम 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 कोई खिड़की में मारने लगा। ये सीरियस का नहीं है, अपने पापा को बुला के उठाए थे रात को, हम डर गए थे इतना ज्यादा। रात के 2:30 बजे रूम का लाइट ऑफ करें, पूरा पसीना पसीना तो आवाज बंद हो जा रहा है, रूम का लाइट ऑफ करें तो आवाज डम 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 पूरी तरह मेरे गेट पर लग रहा ठीक है, खिड़की में मार रहा था, पापा को उठा रहा है, पापा आए फोन ले क्या कुछ नहीं बहुत कुछ नहीं, फिर जाके 4 बजे फिर उठ के हम देखे भाई कुछ नहीं था, पता नहीं हो रहा था हुआ क्या था हमको पता नहीं, मेरा मन का वहम रहता तो ठीक। आपने पापा ने भी सुना? मेरे पापा ने नहीं सुना, मैंने आधा घंटा उसको नोटिस किया, मुंह में पानी मारा, फिर जाके फिर सोचा कि मेरा वहम होगा, पसीना वसीना आ रहा था, फिर जाके देखा सही नहीं मेरा, कुछ खिड़की पे डम 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 ऐसे मारा, मेरा दिन यहाँ बहुत होते रहता है, ये तो रियल लाइफ मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी तो गाँव में और किसका किसका क्या क्या होगा एक्सपीरियंस? बहुत सारा चीज। ओके गाइस, सो आज मुझे वाइल्ड लाइफ पढ़ने जाना था, बट आई गॉट टू वोमिटिंग, फिर फीवर आ गया, और आई एम जस्ट नॉट इन द कंडीशन टू गो एनीवेयर, तो आज का दिन मैं आराम करूँगा, लेट्स सी अगर शाम तक या कल तक मैं ठीक हो पाया तो जाऊँगा वाइल्ड लाइफ पढ़ने, वरना रेस्ट करना है आज। What a bummer.